हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। आज की वीडियो में मैं आप लोग को 39 साइज अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग शेयर करूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए अस्तर है, और यहाँ पे ये सब एक ही में था, हम अलग अलग कर लिए थे, सब ज्वाइंट था, सब हम अलग अलग कर लिए हैं। तो यहाँ पे स्लीव है, ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। देखिए दोनों में सब कढ़ाई वाला, एक कढ़ाई वाली कुर्ती है। तो इसी की कटिंग मैं शेयर करूंगी आप लोग को। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे और इसका मेजरमेंट बताएंगे। तो यहाँ पर इसका मेजरमेंट है 41 इंच लंबाई है, सीना है 39 इंच, कमर है 36 इंच, हिप है 41 इंच, आगे का गला, इसमें आगे का गला बना हुआ है, जितना रहेगा उतना ही हमको रखना पड़ेगा। पीछे का गला 7 इंच है, स्लीव्स की लंबाई है 16 इंच, मोहरी है 11.5 इंच, आर्म होल है 19 इंच। इसी मेजरमेंट पे हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमको इस तरह से अस्तर को, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटून वाला अस्तर है, तो इसको हम इस तरह से कटिंग करेंगे। इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे, तो बराबर करके इसको डबल कर लेना है। इसमें हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की दोनों कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम ये दो लेयर फोल्ड किए, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 4 लेयर फोल्ड करेंगे। यहाँ पे इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद इसमें हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारा 41 इंच है, तो इसमें 41 इंच पूरा नहीं रखना रहता है। अस्तर वाले कुर्ती में 2-3 इंच आप छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम, मेरा 41 इंच है, तो यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे 41 इंच आ रहा है, तो उससे हम इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, 37 इंच पे लगाएंगे, 38, 39, 40, 41, इसमें हम 4 इंच छोटा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 37 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से लंबाई का। इसको इस तरह से स्केल से इस तरह से लाइन खींच देंगे पूरे में। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 इंच, यहाँ से 1.5 इंच लेंगे नीचे फोल्ड करने का, जो दामन फोल्ड होता है नीचे, इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे कंधे का निशान लगाएंगे। यहाँ से, तो यहाँ से कंधा हम रखेंगे 6 इंच पे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आर्म होल की लंबाई लेंगे, तो आर्म होल की लंबाई रखेंगे हम 6 इंच पे इस तरह से। उसके बाद इसी तरह से कंधे पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच पे, 1/2 इंच मार्जिन है, 13.5 इंच पे तैयार आएगा। और यहाँ पर ये कमर का निशान हो गया, और यहाँ पर ये हिप का निशान है, तो हिप लगाएंगे 20.5 इंच पे, क्योंकि ज़्यादा नीचे से नहीं खोलना है, थोड़ा ऊपर से खोलना है। तो यहाँ पे 20.5 इंच पे लगाएंगे, तो 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो ये 20 इंच तैयार होगा। तो यहाँ पे ये दो निशान कंप्लीट हो गए। इसको हम इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से भी बराबर कर लेंगे 6 इंच पे तरह निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से 39 इंच सीना है, तो सीना यहाँ से हम रखेंगे 39 का चौथाई हिस्सा, 9.5 इंच और 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे इस तरह से। निशान को भी इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ पे ये सीना का निशान हो गया, और कमर है 36 इंच, तो 36 का चौथाई इंच यहाँ पे 9 इंच पे रखेंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे हिप है 41 इंच, 41 का चौथाई हिस्सा 10 इंच 2 पॉइंट, तो यहाँ पे 10 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे जो दामन है, वो दामन को हम यहाँ से 10.5 इंच पे रखेंगे, क्योंकि इसमें सलवार है, तो थोड़ा सा फैला हुआ रहेगा, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे 10.5 इंच पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए समझ में आ गया होगा आपको, ये सीना वाला निशान है, ये कमर वाला निशान है, और ये हिप वाला निशान है, और ये दामन वाला, यहाँ से जहाँ से हिप होता है वहाँ से चौक खुलता है, तो ये दामन हो गया नीचे का। अब उसके बाद यहाँ से हम 2-2 इंच मार्जिन लेंगे, तो यहाँ पे आप 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो यहाँ से हम
इस तरह से 2 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जहाँ से मेरा चार्ट खुलता है वहाँ से आप 1 इंच मार्जिन लेंगे, क्योंकि यहाँ से फोल्ड होता है, फोल्ड करते समय मोटा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 1 इंच मार्जिन काफ़ी है। तो यहाँ पे 1 इंच मार्जिन लेंगे इस तरह से। उसके बाद सभी निशान को बराबर कर लेंगे। अब वीडियो को एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा, आप पूरा देखिएगा, स्किप करके तो बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। बहुत ही बारीकी से हम बता रहे हैं ये कुर्ती बनाना अस्तर वाली, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से जो हमारा ये मार्जिन वाला निशान है उसको भी हम इस तरह से निशान लगा देंगे पूरा। उसके बाद यहाँ से निशान लगाएंगे इस तरह से 1.5 इंच पे, बैक वाला है ये 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच पे जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल है उसका निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये बैक आर्म होल है और ये फ्रंट आर्म होल है। उसके बाद यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे, तो गला हम रखेंगे इस तरह से 3.25 इंच पे, क्योंकि गला थोड़ा छोटा बनेगा तो इसलिए हम 3.25 इंच पे रखेंगे। तो गले की कट निशान हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें गला बना हुआ है। तो यहाँ पर ये निशान कंप्लीट हो गया, अब उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर ली है बैक पार्ट। तो यहाँ पर इस तरह से कंधे पे जो गले का निशान लगाए उस पर हम इस तरह से कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ये फिटिंग वाला निशान है यहाँ पर भी इस तरह से कट लगाएंगे। यहाँ कमर पर भी इस तरह से कट लगाएंगे। यहाँ से जहाँ से चाक खुलेगा यहाँ पर भी इस तरह से कट लगाएंगे। उसके बाद इस तरह कैंची के नोक से पीछे का भी निशान उठा लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर जो जहाँ से हम नीचे का दामन फोल्ड करेंगे उसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम निशान उठा लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई दिया जाता है कमर पे, यहाँ पे देख सकते हैं कितने आसान तरीके से यहाँ पर निशान लग गया। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट पार्ट को हम अलग करेंगे इस तरह से, बैक पार्ट को निकालेंगे। यहाँ पर बैक पार्ट को हटा लेंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल है उसकी कटिंग करेंगे, उसको एक बराबर कर लेना इस तरह से, क्योंकि ये कपड़ा संतून है, बहुत ही सरकता है ये, तो इसको इस तरह से बराबर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ का जो पीछे का सेंटर है वो वही कट हुआ था तो इसको इस तरह से काट देंगे। उसके बाद यहाँ से हैंड पार्ट की आर्म होल है उसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ से इस तरह से बराबर कर कटिंग कर लेना। उसके बाद अब हम यहाँ पे मेरा अस्तर की कटिंग हो गया है, अब हम मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर ये कढ़ाई वाला सूट है, यहाँ पर ये गला बना हुआ है, इतना सुंदर ही गला बना हुआ है, इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बीच के सेंटर से इस तरह से बिछा लेना है, तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ से जो डिजाइन बना हुआ है गले का उसको इस तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे, तो लंबाई 41 इंच तैयार है। तो यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे, क्योंकि यहाँ से 1/2 इंच सिलाई मिलेंगे, तो यहाँ से गला नापेंगे तो गला मेरा 7.5 इंच पर तैयार आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरा 41 आ रहा है,
हाफ इंच यहाँ पे इस तरह से सिलाई का हो गया 41.5 इंच। उसके बाद यहाँ पर ये बॉर्डर हम खोलेंगे, इसको हम ऊपर ढंगे, तो यहाँ पर मेरा 41.5 इंच तैयार आ रहा है। उसके बाद इस तरह से निशान लगा के यहाँ पे जो ये गला का सेंटर है इसको हम यहाँ पर कट लगाएंगे और इसको इस एकदम बराबर कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से अस्तर को रख लेना है इस तरह से, तो यहाँ पे बराबर से इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम कटिंग करेंगे, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा काटते हुए कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग कितना आसान तरीके से हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर ये बॉर्डर है इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, गले की कटिंग अभी नहीं करेंगे, स्टिच करते समय करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो बैक पार्ट है इसमें भी डिजाइन दिया, उसमें भी देखिए वर्क कितना सुंदर कढ़ाई दिया हुआ है, इसको भी इस तरह से बिछाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बराबर से बिछा दिए हैं, इसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेकर बिछा दिए हैं क्योंकि नीचे फोल्ड नहीं करना, नीचे भी बॉर्डर दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऊपर का कंधे की जो सिलाई होती है उसको लेके हम बिछा दिए हैं। उसके बाद अब इसकी कटिंग कर देंगे, तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे। यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर कटिंग करेंगे, बाद में स्टिचिंग करते साथ करके उसके बाद हम निकाल देंगे इसको। तो यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग हो गई, उसके बाद यहाँ पर बैक पार्ट के जो गला है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से 3.25 इंच है, 1 पॉइंट कम है 3 में चौड़ाई गले की। उसके बाद यहाँ से 7.5 के निशान लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि गला 7 इंच है तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेके तो बस यहाँ पे 7.5 के निशान है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा फैला के रखेंगे, 2 पॉइंट बढ़ा लेंगे 3 में। उसके बाद इस तरह से इसको एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद इसमें इस तरह से गोलाई का शेप देंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे गले की भी कटिंग कर ली है, तो यहाँ पे बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे ये दिल का कपड़ा है इसको भी हम अलग कर लिए थे। स्लीव की लंबाई है 16 इंच, मोहरी है 11.5 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से हम बिछा लिए हैं। यहाँ पर ये डबल फोल्ड है, देख लीजिए दो फोल्ड है। उसके बाद इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे, कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लंबाई का निशान लगाना है, तो यहाँ पे 16 इंच तैयार है ये। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच आगे फोल्ड करने का हो गया, 1/2 इंच, तो यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई का हो गया। तो यहाँ पे 17.5 इंच निशान लगाएंगे इस तरह से, पूरी लंबाई इसकी 17.5 इंच है, तो इस तरह से इसको भी सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से 3.5 इंच डाउन करेंगे आर्मोर को। उसके बाद यहाँ से इस तरह से 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे आर्मोल का। उसके बाद इस तरह से गोलाई दे लेंगे, मोहरी है 11.5 इंच, तो यहाँ पर 5.5 इंच और 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद इस निशान से मिला देंगे,
उसके बाद यहाँ से 2 इंच मार्जिन ले लेंगे, उसको भी इस तरह से जितना आप अपने कुर्ती पे मार्जिन लेंगे उतना ही स्लीव में भी मार्जिन लिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने आसान तरीके से स्लीव का निशान कंप्लीट हो गया। और इसकी कटिंग कर देंगे, तो यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर है उसको हम कट लगाएंगे इस तरह से, यहाँ सेंटर पे कट लगाएंगे। उसके बाद इसको हम खोल लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इतना हम इस तरह से 1/2 इंच इसको गहरा करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा फ्रंट आर्म होल है, तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे, क्योंकि जब हम स्टिच करते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, हमको समझ में नहीं आता कौन बैक है कौन फ्रंट है, तो इस तरह निशान लगाने से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे स्लीव की कटिंग हो गई है। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।